हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ, आप दोनों के मैसेजेस लेकर आज मैं आई हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो डेक यूज़ करेंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और इस डेक से हम देखेंगे आपके मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो पहले मैं शफल कर लेती हूँ दोनों डेक्स को और उसके बाद हम देखेंगे क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ है जो अभी इस वक्त कहना चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे से, ठीक है। शुरू करते हैं, सो देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो सबसे पहले जो कार्ड है आपकी तरफ वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स, सफरिंग, टेंशन। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को ये बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत दुखी हैं और आप ये कंप्लेन करना चाहते हैं अपने पर्सन से कि आप आपके पर्सन की वजह से दुखी हैं, ठीक है। उन्होंने आपको रुलाया है, उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। अब आपको कार्ड अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पर्सन को ये बताएंगे कि आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप तड़प रहे हैं, आप घुटन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ़ दी है आपके पर्सन ने आपको और आप ये चीज़ें उनसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो जब भी आपकी इनसे बातचीत होगी या फिर अभी इस वक्त आपके मन में ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ निकल कर आई हैं, इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी या मेरे खुद की फैमिली। यहाँ पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम का हवाला देते हुए आपके पर्सन आपको रिप्लाई कर रहे हैं इसके जवाब में कि मैं परेशान हूँ, मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं या मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं सब कुछ करूँगी या करूँगा बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फोर्सफुली आप कोई काम इनसे नहीं करा सकते, ये भी चीज़ यहाँ पर है। इनका जवाब सुनकर आप खुश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन को मेरी फ़िक्र है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं, आप इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 24/7 आपके दिल में आपके पर्सन की एनर्जी रहती है, इमेजिनेशन में रहती है और आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। आपको इनके साथ ऐसा फील होता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में हो, बहुत ड्रीमी सा आपको फील होता है और आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन को लेकर। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं हैंगडमैन की एनर्जी है, सैक्रिफाइस। ये भी जानते हैं कि आपको ये दूर, आपसे दूर रह के ये कितनी बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। तो आपके पर्सन भी इस चीज़ में आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपको ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जितना तुम सैक्रिफाइस कर रही हो या कर रहे हो उतना ही मैं भी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं भी किसी सिचुएशन में अटका हूँ तो ऑब्वियसली मैं उतना खुश नहीं हूँ, उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ। तुम अगर परेशान हो तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके जवाब में आप कह रहे हैं किंग ऑफ कप्स, आप उनको ये बता रहे हैं कि क्या आप उनसे प्यार, मतलब क्या ये आपसे प्यार करते हैं, मतलब आप उनसे ये उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी बात के थ्रू कि ये आपको एक्सप्रेस करें कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इस वक्त किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब जो काम मैं हमेशा मना करती हूँ वो एनर्जी है यहाँ पर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाएं वरना सामने वाला भाग जाएगा। अब ये भागते हैं कि नहीं ये तो अभी पता चलेगा, बट यहाँ पर जो एनर्जी है आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव, ये चीज़ें हैं। इसके जवाब में आपके पर्सन सीधा आपको ये कह रहे हैं कि एक ने एक दिन हम एक होंगे। तो ये बड़ी प्यारी एनर्जी है। इनका जो जवाब है आपके लिए वो ये है कि एक ना एक दिन हम ज़रूर एक होंगे, हम दोनों की जो जर्नी है वो आगे ज़रूर बढ़ेगी और शादी तक ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन आपको रिप्लाई दे रहे हैं, आपके प्यार को ये भी
एक तरह से वैलिडेशन दे रहे हैं कि हाँ अगर आप इतना प्यार करते हो तो हम एक ना एक दिन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, हम एक ना एक दिन अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे। इसके बाद आप कह रहे हो टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप इनको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हो या जताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में बहुत बर्डन दिया जा रहा है, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशराइज कर रहे हैं। या आप अपना कोई ना कोई, एक होता है ना कि इंसान जब इमोशनल होता है तो अपने दुख दर्द तकलीफ़ें बताने लगता है, तो आप उन्हें अपने सारे बर्डन्स, अपनी सारी जो भी आपकी व्यथा है वो आप उन्हें बता रहे हो। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं कि बर्डन से दूर हट जाओ, मूव ऑन कर लो, इन नेगेटिव लोगों से या इन नेगेटिव सिचुएशन से कहीं दूर चली जाओ या दूर चले जाओ, ठीक है, कुछ सेपरेट करो अपने आप को नेगेटिविटी से। तो ये आपको एक तरह से सही गाइडेंस दे रहे हैं, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे या आपको प्रेशराइज करे तो डिटैच योर सेल्फ, ठीक है। इसके जवाब में आप इनसे कह रहे हो नाइन ऑफ कप्स, आप इनसे ये कह रहे हो कि मेरी तो विश है कि तुम लेके जाओ मुझे जल्दी से। ये आपने मारा सही निशाने पे तीर। तो ये एनर्जी है, इसके जवाब में आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए। अरे क्या बोल के फंस गया मैं। तो इनकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अब रन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं फंस रहा हूँ या मैं फंस रही हूँ किसी सिचुएशन में, या ये मुझसे अब फिर से वही चीज़ें बोलने वाले हैं या बोलने वाली है, तो ये थोड़ा सा आपसे बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ या इस तरह की कोई बातें बोलकर थोड़ा रनिंग एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे डीप एनर्जी होती है ना, सामने वाला पर्सन अगर वो अभी रेडी नहीं है तो वो रन करने की कोशिश करता है। तो ये एनर्जी यहाँ से इनकी आ गई है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ है टेन ऑफ कप्स, आप बिल्कुल श्योर हैं कि मुझे तो इस बंदे के साथ ही आगे बढ़ना है या इस बंदी के साथ ही आगे बढ़ना है। आपकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हीं के सपने देखते हैं। और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है सॉलिट्यूड, आपके पर्सन अभी कुछ नहीं कर सकते, आपके पर्सन अभी हर्मिट मोड में है, आइसोलेशन में है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे बस का कुछ नहीं है, जब तक मेरी सिचुएशन पूरी तरह से बैलेंस नहीं होती मैं हवा में कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, झूठ नहीं बोल सकता किसी की लाइफ में, मैं उसको रोकने का राइट नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ। ये बात अलग है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं बट अभी आपको कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, ज़रूर लाइक करें। अगर अभी आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुआ हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।